नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मी कुंदन तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो काउंटिंग किलोमीटर्समध्ये. मागच्या आठवड्यात आपण व्हिडिओ रत्नागिरीमध्ये येऊन एंड केला होता आणि आता आपण रत्नागिरीतून पुढे निघणार आहोत गोव्याला जाण्यासाठी. गोव्याला पोचायला अजून 2 ते 3 दिवस लागणार आहेत, पण मजा भरपूर येणार आहे कारण कोस्टल हायवे आपण एक्सप्लोअर करतो आहे. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मराठी समझती नहीं होगी तो इंट्रो आपके सर के ऊपर से गया होगा. आज एक्चुअली सुबह ऐसी हुई थी कि पूरा एकदम गांव वाला फीलिंग आ रहा था, जैसे अपने नेटिव में पहुंच गया हूं तो थोड़ा मराठी का प्यार उमड़ आया था, इसके लिए इंट्रो भी मराठी में ही हो गया. एनीवेज, गांव वाला फीलिंग बोले तो फिर टाइम तो जाएगा ही. प्लान था आज भी 7:30 बजे निकलने का, लेकिन 9:30 और अभी तक हम लोग रत्नागिरी में ही है. एंड ऑल थैंक्स टू प्रियंका, 2-3 दिनों के बाद उसको अच्छा खासा टाइम मिला तो मैडम बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी. अभी हम है रत्नागिरी में सबसे अच्छे पॉइंट पे, जो है मिरकरवाड़ा ब्रेक वाटर्स. रत्नागिरी में समंदर के बीचों बीच ये बनाया हुआ है टू ब्रेक द टाइडल वेव्स. जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से तीनों बाजू में पानी ही पानी है, पूरा समंदर. एंड ऑन द फोर्थ साइड, इस तरफ ये मेरे पीछे जो दिख रहा है, दैट इज़ रत्नदुर्ग फोर्ट. फोर्ट के ऊपर तो चल के जाना पड़ता है, और अभी जैसा कि कहा 1.5-2 घंटा लेट है तो फोर्ट के ऊपर तो जाएंगे नहीं. बट दिस इज़ द फोर्ट. फोर्ट पर से भी इस ब्रेक वाटर्स का और पूरे समुंदर का व्यू बहुत अच्छा मिलता है. लास्ट टाइम जब मैं आया था तो गए थे वहाँ पे. निकलेंगे पावस के लिए, फिर पावस से विजय दुर्ग, और विजय दुर्ग से होके देखेंगे आज कहाँ तक पहुँच सकते हैं. वेंगुरला तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मालवण तक पहुँचने की कोशिश करेंगे. पावस में एक्चुअली देयर इज अ आश्रम जिसके बारे में सुना है मैंने कि वहाँ पे शांति इतनी होती है कि सिर्फ वो पीस ऑफ माइंड, और मतलब नॉट दैट रिलीजियस एस्पेक्ट, बट वहाँ पे अच्छी तरह से पूरे ऑर्चर्ड्स वगैरह डेवलप किए हुए हैं. एंड इट्स राइट ऑन द वे, मतलब कहीं भी डिटूर नहीं लेना है, तो वी जस्ट थॉट लेट्स चेक इट आउट. उसमें तो गाइस किसी ने वीडियो शूटिंग करने नहीं दिया एक्चुअली, मतलब वहाँ पे कैमरा अंदर ले जाना ही अलाउड नहीं था. नो कैमराज, नो मोबाइल्स. बट देन अब हम जहाँ जाने वाले हैं, दैट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस. अभी मेन रोड से अंदर आ गया इस बीच के लिए, अराउंड 7-8 किलोमीटर्स इनसाइड जैसा उसने बताया था. This is the smallest ever beach that I have seen. मतलब यहाँ से यहाँ तक hardly 100 feet भी नहीं है, और अभी इस वक्त सिर्फ मैं और प्रियंका दो ही लोग हैं बीच पे. बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक बीच है. एक्चुअली यूनिक, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं देखा था और सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ है यहाँ पे अपने एरिया में. वी आर इन रत्नागिरी. ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा है एक्चुअली. हाँ, ऊपर वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाके इसका और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा. अभी यहाँ से वहीं पे जाने वाले हैं, बट पहले तो यार ये वेव्स का मजा लेने दो. यार यहाँ से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस.
मतलब नीचे ना जाने के सिर्फ यहाँ से देख के वापस निकलने का डिसाइड करके आए थे, लेकिन नीचे भी गए, नीचे ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड भी किया, 6-7 किलोमीटर ऐसे कच्चे रास्ते से ऑफ रोडिंग करके आए थे। इट वॉज अ बोनस, सुपर बोनस। बट ऐसी प्लेसेस अगर देखने मिल जाए तो 4 दिन भी टूर बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी जगहों पे राइड करने मिल जाए तो और भी मजा आता है। क्या बना के रखा हुआ है, हर एक स्पीड ब्रेकर आधा आधा है एंड द एंटायर स्लोप इज लाइक दैट। काका काकांनी साइडस नहीं ली। विजय दूत पहुंचने पे सबसे पहले तो पेट पूजा कर ली और अभी इट्स टाइम टू विजिट द फोर्ट। किल्ला साइड कुठे होता हे समोर इथेच का? अच्छा यहाँ से अनाज उतार के एक सुरंग है यहाँ पे जिसके थ्रू किले में अनाज ले जाया जाता था। ये जो है किले का मेन एंट्रेंस का एरिया है। यहाँ पे भी डबल फोर्टिफिकेशन है, डबल चेक पॉइंट्स है सो एज टू एंश्योर दैट नो एनिमी कैन एंटर द फोर्ट। और इस पूरी फोर्टिफिकेशन वॉल पे आप जितने भी व्हाइट पैचेस देख रहे हैं दोज आर ऑल ड्यू टू बम्बार्डमेंट डन फ्रॉम एनिमी वेसल्स। शिवाजी महाराज के एरा में जब इस यहाँ पे जब भी इस फोर्ट पे अटैक हुआ था तो इस क्रीक में से जो भी बम्बार्डमेंट किया गया था, कैनन शेल्स फायर हुए थे, उनकी वजह से ये सब व्हाइट स्पॉट्स पड़े हुए हैं। सो किले के अंदर तो सब लोग घूमते हैं, हर बार घूमते हैं। जस्ट ट्राई टू शो यू अ डिफरेंट साइड ऑफ दिस फोर्ट, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस फोर्ट। होप यू हैव लाइक्ड इट। अभी यहाँ से निकलेंगे देवगढ़ के लिए, फिर वहाँ से कुंकेश्वर मालवण, इतना प्लान तो है। देखेंगे अभी आज के दिन में कितना हो सकता है। जहाँ पे भी शाम हुई, जहाँ पे भी मूर्तियाँ रुक जाएंगे, फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सो इट वॉज जस्ट अराउंड 25 किलोमीटर्स ऑड फ्रॉम विजयदुर्ग टू देवगढ़। देवगढ़ विलेज तो पीछे छूट गया, अभी देवगढ़ फोर्ट के एंट्रेंस पे पहुंच रहे हैं। और देवगढ़ में कुछ विंडमिल्स भी है, वो भी देखने लायक होगा। एंड देयर इज अ लाइट हाउस ऑल्सो, लेट्स चेक आउट द लाइट हाउस फर्स्ट, फोर्ट को बाद में देखेंगे। सो वी केम इनसाइड द फोर्ट ऑन बाइक इटसेल्फ, ग्रेट। ये पीछे जो दिख रहा है आपको दैट इज द फोर्टिफिकेशन वॉल्स, वी आर राइडिंग इनसाइड द फोर्ट इटसेल्फ। फाइनली वी गेट टू गो इनसाइड अ लाइट हाउस। अंजनवेल वाला टाइम अलग था तो हम जा नहीं पाए, जयगढ़ वाले अलग था तो जा नहीं पाए। फाइनली देवगढ़, 4 से 5 का टाइम था, एग्जैक्टली 5 बजे हम लोग गेट पे थे। ही सेड कि चलो आपको छोड़ देता हूँ मैं अंदर। दिस इज लोकेटेड राइट इनसाइड द देवगढ़ फोर्ट। ये सामने जो फोर्टिफिकेशन वॉल दिख रहा है, वहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तक ये पूरा देवगढ़ फोर्ट का एरिया है। एंड दिस फोर्ट वॉज ऑब्वियसली बिल्ट टू कीप वॉच ऑन द नेवल मूवमेंट्स फ्रॉम द अरेबियन सी। तो ये रहा अरेबियन सी का नज़ारा लाइट हाउस से दिखने वाला। और इस तरफ क्रीक है। तो अगेन दिस फोर्ट वॉज बिल्ट सच अ वे कि अरेबियन सी और क्रीक
दोनों पे कंट्रोल किया जा सके। यहाँ से अब जाना है कुंकेश्वर की तरफ, बीच में वो विंडमिल्स आएंगी सामने जो दिख रही है, वहाँ पे अगर अलाउ किया तो वहाँ पे रुकेंगे। कुंकेश्वर में पहुँच तो गए, लेकिन जैसा सभी मंदिरों में होता है इस मंदिर में भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं। और ये राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज़ कुंकेश्वर बीच। कुंकेश्वर मंदिर की पहचान ऐसी है कि जितना नॉर्थ में काशी को मतलब बनारस को रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, उतना दक्षिण में कुंकेश्वर को दिया जाता है, इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण काशी ये भी नाम दिया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली मंदिर और वो सराउंडिंग्स तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। नाउ वी डिसाइडेड टू रीच तारकरली और देवबाग फॉर टुनाइट स्टे, सो दैट कल सुबह उठ के देवबाग में सुनामी आइलैंड वगैरह वो सब एक्सप्लोर करेंगे, फिर मालवण आएंगे, मालवण फोर्ट, मालवण में स्कूबा डाइविंग करेंगे और प्रियंका का जो पानी का डर है वो हटाने की कोशिश करेंगे, उसको पानी के नीचे डुबा के और फिर वहाँ से जाएंगे वेंगुर्ला। और हम पहुँच गए हैं तारकरली।